नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन साहू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 लाइव। आज हम पहुंचे हैं ग्राम नगपुरा और देखिए यहां जितने भी लोग दिखाई दे रहे होंगे उनके हाथ में पौधा है और यह संदेश देता है कि हर किसी को अपने जीवन में पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि आप सभी भली भांति परिचित हैं और आपको ज्ञात होगा कि जीवन में पेड़ पौधा कितना ज़रूरी है। और इसी का संदेश देते हुए देखिए धूरी समाज यहाँ दिखाई दे रहे हैं और धूरी समाज एकता मिशन के तहत देखिए बिलासपुर संभाग के जितने भी धूरी समाज यहाँ एकत्र हुए हैं और आज पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आइए हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो आज का जो कार्यक्रम है उद्देश्य क्या है। ये बताइए सबसे पहले कि आज का जो कार्यक्रम रखा गया इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, दुनिया में पेड़ काटने के लिए सभी आ जाते हैं लेकिन लगाने के लिए कोई नहीं आता है। किसी भी कार्य को करने के लिए पहल करना जरूरी है। हमने एक छोटा सा पहल किया है, जैसे अभी हसदेव जंगल को पूरा काट दिया गया लेकिन पेड़ नहीं लगाए, लाखों पेड़ वहां पर कटा है। हमने एक पहल किया है कि एक वृहद रूप में शुरुआत ही सही एक कदम हमने बढ़ाया, 1000 हमने लक्ष्य रखा है पौधारोपण का। तो हम वृक्षारोपण करने जा रहे हैं अपने समाज की ओर से। हमारा समाज भी सोया हुआ बिखरा हुआ था, है ना, मोतियों की माला की तरह जो टूट कर बिखर जाता है उसी तरह बिखरा हुआ था। हमने एक पहल किया कि हमारा समाज जुड़े, इसी बहाने वृक्षारोपण के बहाने लोग जुड़े हमसे आकर और आगे बढ़े, विकास के राह पर चले। तो हमने एक संदेश के तहत वृक्षारोपण का आयोजन किया है। अच्छा, अगर मैं आज के कार्यक्रम का बात करूं तो यह सामाजिक कार्यक्रम है कि अभी राजनीति चरम पर, राजनीति अभी एक दो महीने में चुनाव होने वाला, तो उसके तहत कार्यक्रम किया जा रहा है क्या है? राजनीति से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमने अपने समाज को जागृत करने के लिए और उसे क्रियान्वित करने के लिए आयोजन किया है, जिसे पेड़ भी लगे और हमारा समाज भी आगे बढ़े। हमारा एक नारा है कि धरती करे पुकार, आइए पेड़ लगाए इस बार। अच्छा, आप बताइए आज जो कार्यक्रम में कितने पौधे का टारगेट रखा गया है? 1000-1500 के लगभग है और सभी बुजुर्गों द्वारा लगाया जाएगा, जितने भी सदस्य हैं। और बड़ा आनंद आ रहा है कि हमें कम से कम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मौका मिल रहा है। अच्छा, अच्छा, आज के जो कार्यक्रम है ये और पहले कर चुके हैं कि ये प्रथम बार है? नहीं, प्रथम बार है। अच्छा, और ये हर साल चलेगा? कोशिश करेंगे। अच्छा, हर गांव क्योंकि शुरुआत हुआ है। अच्छा, तो कोशिश करेंगे सभी गांव कि हर साल कुछ पौधा लगाएं। धरती करे पुकार, धरती करे पुकार, धरती करे पुकार, जय मां माया भैया। ये बताइए कि आज के जो कार्यक्रम रखा गया है, तो जैसे कि धूरी समाज द्वारा पौधा वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि पौधा मनुष्य के जीवन में कितना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं धूरी समाज को धन्यवाद देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं कि आप प्रकृति के प्रेमी हैं, पर्यावरण के प्रेमी हैं और आज पूरा परिवार मिल करके, समाज मिल करके यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किए हैं। जितना पेड़ लगाए हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसके देखभाल करना और उसको बचाना, जिससे आने वाले जीवन समय में उससे हमको ऑक्सीजन मिल सके। आज जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि जितना हमारे जंगल का जो कटाई हो रहा है, हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है और असंतुलित होने के कारण में आप देख रहे हैं उसका तरह तरह का जो मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ लगा करके उसकी रक्षा करें। निश्चित रूप से इसका लाभ न केवल हमको, हमारे बच्चे लोगों को भी, आने वाले पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा। पेड़ों की कटाई हो रही है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रभाव पड़ रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पेड़ों की कटाई को तो कम किया जाए जहाँ तक हो सके, और जितना काट रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा लगाने का प्रयास करें। और लगाने से नहीं है, उसको देखभाल भी करना ज़रूरी है। और क्या है, जैसे कि अभी वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ना, तो पेड़ पौधा लगाने से हमको ये सुरक्षित होगा कि वायु जो है प्रदूषित होने से बचाव हो जाएगा और आने वाले समय में ये भी हो जाएगा कि कई जगह हम लोग देखे हैं कि ऑक्सीजन की बिक्री हो रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रहा है उनको खरीदने को, तो हमारे अगर पौधा लगाएंगे तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
इसलिए अति अनिवार्य लग रहा है कि पेड़ पौधा का रोपाई किया जाए। धन्यवाद। हम यह भी जानना चाहेंगे कि आप सभी के हाथ में तो पौधा है, लेकिन हमें थोड़ा बताएंगे कि हमारे जीवन में, मनुष्यों के जीवन में पौधे का क्या महत्व है, कितना जरूरी है? बहुत महत्व है छाँ के लिए। सब चीज़ धरती मातल छाँ चाही, इंसान लच्छा छाँ चाही, और पौधा लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, धरती माता की सेवा भी करना बहुत जरूरी है। जेन हमार माता है धरती ना, वो का उपजा होना चाहिए, छाँव मिलना चाहिए, सब चीज़ मिलना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि जो पौधा आप लोग रखे हो, ये इसी वर्ष लगाएंगे कि हर साल के लिए संकल्प ले रहे हैं? अब ये सर शुरुआत किए हैं सर, अब देखेंगे, हर साल कोशिश करेंगे कि हम लोग हर साल ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगा सकें जी। हमारे जीवन में पौधे का कितना महत्व है? बहुत महत्व है भैया। जैसे कि जैसे कि हम लोग फल देते हैं, छाया देते, ऑक्सीजन देते, सब हमारे पर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो लगते कि हर व्यक्ति अपन जीवन काल में पौधा लगाना चाहिए। हाँ, हमन हर साल पौधा लगाथन। अच्छा। हाँ, अपन बाड़ी में लगाथन, घर में लगाथन, अभी तो यहाँ लगाथन गौठान में। अच्छा। हाँ, अच्छा, अभी जो आने वाला पीढ़ी वाला का संदेश देना चाहिए? संदेश देवो सब पौधा लगाओ। अच्छा। कार्यक्रम होने वाला है, कौन कौन से वृक्ष आज लगा रहे हैं? ये हम सभी प्रकार से पौधे लगा रहे हैं, और फलदार है, और ऑक्सीजन के लिए लगा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि एक पेड़ काटने से पहले 11 पेड़ पहले लगाना है, और तब ना हमको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे, यही कहना चाहता हूँ आने वाले पीढ़ी। अच्छा, मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि जैसे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही, नगरीकरण के चलते जंगल को साफ किया जा रहा है, अभी जैसे हसदेव जंगल की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरा जंगल साफ कर दिया गया था, तो इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। जितना कटाई कर रहे हैं, खैर विकास के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले तो उससे ज़्यादा पौधा लगना चाहिए। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि सब कम से कम एक पौधा भी लगाएं, तो हमारे ऑक्सीजन की कमी शायद थोड़ा थोड़ा करके पूरा होते जाएंगे, आने वाले पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य अच्छा लाभदायक रहेंगे। तो इसमें हम लोग का आम है, बिही है, और जामुन वगैरह वगैरह का पौधे हैं, जो सभी फल चिड़िया से लेके बच्चे बूढ़े सभी के लिए फायदेदार लगेगी आगे चल के। अच्छा, मैं यह भी जानना चाहूँगा कि ठीक है, अभी तो आप लोग पौधा लगा देंगे, लेकिन इसके देख रेख की बात आती है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा? पांच के द्वारा इसको एक समिति बनाया जाए, और इसके संरक्षण के लिए विशेष देखभाल करेंगे। अच्छा। हाँ।